हेलो फ्रेंड्स, जीकर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट बनने वाली नॉनवेज रेसिपी। ये कढ़ाई चिकन कबाब मसाला है। आपके घर अचानक कोई आ जाए या आपका नॉनवेज खाने का मूड हो तो कोई झंझट नहीं है। फ्रोज़न चिकन कबाब या मटन चिकन कबाब हमारे घर में हमेशा तैयार होते ही हैं, फ्रोज़न होते ही हैं, ईज़िली मिल भी जाते हैं आजकल, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 से 7 अनियन ले लिए हैं, 20 गार्लिक ले लिए और थोड़ा 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इनको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ ग्राइंडर में 1 स्पून के करीब जीरा ऐड कर लिया है साथ में। इनको मैं ग्राइंड करके पीस लूँगी। और देखिए, यहाँ मैंने ऑयल ले लिया, वेजिटेबल ऑयल, उसमें मैंने आधा चम्मच के करीब क्यूमन सीड्स डाल दिए। कुछ खड़े मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर मेरे 2 दालचीनी डाल रही हूँ और 4-5 मैं लौंग डालूँगी। आप चाहें तो मोटी इलायची, तेज़पत्ते या कोई भी मसाले डाल सकते हैं, वो अवॉइड करूँगी क्योंकि मैंने वो होममेड मसाला, मैंने गरम मसाला पीसा हुआ, मैंने ऑलरेडी उसमें ग्राइंड कर रखे हैं। आप अगर बाद में ना डालना चाहें तो आप अभी उस पर भी डाल सकते हैं, या आप ग्राइंड प्याज को ग्राइंड करते हुए भी डाल सकते हैं। जैसे ही अपना ऑयल में अपना फ्लेवर छोड़ेंगे, मैं यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ मेरा प्याज का जो मैंने मसाला तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। मैं इसको हाई फ्लेम पे ही रोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये मेरा तैयार हो गया वहाँ पे मसाला। इधर मैंने ये फ्रोज़न कबाब ले लिए हैं, इनको मैंने हल्का सा ऑयल में इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। यहाँ मेरा देखिए मसाला भी तैयार हो गया है साथ साथ। देखिए, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये अब मोस्ट डन है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा उसी वक्त। मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डाल दूँगी। यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल लूँगी। रेड देगी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी और 1 चम्मच नमक। सभी क्वांटिटी 1-1 चम्मच मैंने ले लिया है। मैं आधा किलो के करीब इसमें मैंने कबाब कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे ये मसाले की इतनी क्वांटिटी पूरी है। यहाँ मैंने 6 से 7 के करीब मैंने टमाटो हैं जिनको मैंने पीस के रख लिया है, उनको मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी देर बाद मैं इसको जब तक भूनती रहूँगी, मसाला बनकर तैयार हो गया है। देखिए, इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। देखिए, अच्छे से तैयार हो गया। मैं इसमें अब डाल दूँगी थोड़ी सी कटी हुई हरे धनिया की पत्तियाँ। इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी। देखिए, और साथ में मैंने यहाँ पे होममेड अपना गरम मसाला डाल दिया 1 चम्मच के करीब। अभी देखिए, मैंने कबाब रोस्ट किए थे, जो पैन रोस्ट किए थे उनको मैंने कट कर लिया इंच के पीसेज में। देखिए, अच्छे से तैयार हो गए हैं, इनको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए, कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं बस इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। 4 से 5 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ऑलरेडी सॉफ्ट हैं ही कबाब, पैन फ्राई हो चुके हैं। बस मसाला अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और वो सूख जाएगा। देखिए, इसको मैं अच्छे से अब पकाऊंगी। देखिए, बनकर तैयार हैं ये। अब इसमें मैं थोड़ी सी कटी पत्ती डाल के मैं इसको अच्छे से, मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इनको पका लिया है ढककर। देखिए, ऑयल कितना सुंदर ग्रेवी बनकर इसका तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह से गर्म गर्म आप नान के साथ, रोटियों के साथ, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये इजी रेसिपी है, इसके लिए ना धोना, सफाई की कोई चिंता नहीं है क्योंकि फ्रोज़न कबाब या कबाब ऑलरेडी मिल जाते हैं हर फ्लेवर में आजकल। आप इजीली इसे इंस्टेंटली इसको बना सकते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।